हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल कंप्यूटर क्लास। लेट डिस्कस आवर न्यू टॉपिक एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से इंटरनेट की, वैसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से ये एरिया है जहां पर हम इंटरनेट यूज करते हैं। क्लियर? अब तो वैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर चीज में ही इंटरनेट यूज होता है, लेकिन अगर बात करें प्रॉपर समझने की या लिखने की फॉर द एग्जाम पर्पस, देन आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन प्रॉपरली इन योर एग्जाम। इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंटरनेट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स, सॉरी टूल्स, वट आर द टूल्स यूजिंग फॉर इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट होता क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें इंटरनेट के साथ हम यूज करते हैं, क्या टूल्स होते हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। नाउ द टर्न इज एप्लीकेशन एरिया। ओके, नाउ डिस्कस वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वन इज सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हम क्या यूज, किसके लिए यूज करते हैं, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कोई वेबसाइट आपको सर्च करनी है, आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है। जब आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पर सपोज मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है, ठीक है, कि आप सर्च करिए ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वेब ब्राउजर, तो सिंपली आप गूगल पर डालेंगे और वहां से बहुत सारी डेफिनेशन निकल कर आ जाती है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो वो सब आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी, वो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। खाली आप एजुकेशन की बात नहीं, कोई भी पॉइंट हो, आप किसी की वेबसाइट सर्च करनी है, किसी का एड्रेस सर्च करना है, ठीक है, कोई लोकेशन सर्च करनी है, गूगल मैप अवेलेबल है, गूगल मैप के थ्रू आप सीधे कहां तक चल सकते हो, घर तक जा सकते हो अगर अलोकेटेड है उसका एड्रेस तो। क्लियर? तो ये होता है सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। वैसे आप थियोरेटिकली बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, पर्पस है इसको कराने का, वो सिर्फ इतना है ताकि कोई पॉइंट अगर आपको ना पता हो तो आप उसको समझ सकें। नाउ मीटिंग, सेकंड पॉइंट इज मीटिंग पीपल। आप आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं। बिजनेस मीटिंग होती है, ऑफिशियली मीटिंग होती है, कॉलेजेस मीटिंग होती है। सपोज अभी से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, लॉकडाउन पीरियड है, सब क्या है, अपने घर पर हैं, लेकिन कुछ वर्क ऐसे हैं जो हमें घर से ही करने पड़ रहे हैं। जितनी भी आईटी कंपनी है, बिजनेस तो नहीं, आईटी कंपनीज जितनी भी हैं, जो अकाउंट्स का काम संभाल रहे हैं, वर्क घर से ही क्या कर सकते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो मीटिंग टाइम अपना फिक्स करना होता है, ठीक है, उनको मीटिंग लेनी होती है, वो फिक्स टाइम करते हैं, तो अपने घर बैठ कर ही इस टाइम में वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से जो भी उनको डिस्कशन करना होता है मीटिंग में, क्या अपडेटेड है क्या नहीं करना, वो सब आपस में क्या कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ये आपका कोरोना टाइम चल रहा है तो सब अपने घर बैठे हैं, तो आपस में मीटिंग जितने भी है वो करते रहते हैं, आपस में टाइम फिक्स कर लेते हैं, रिमाइंडर लगा लेते हैं कि इस टाइम पर हमारी मीटिंग अवेलेबल है। नाउ इंटरटेनमेंट एंड फन। आप इंटरनेट के थ्रू एंटरटेनमेंट भी करते हो। कैसे करते हो, आप मूवीज देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, डाउनलोड कर लेते हो, इवेंट्स प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लेते हो। क्लियर? तो आप सारा काम इंटरनेट एंड फन उसमें से आप क्या करते हो, यूज करते हो। मीन्स प्ले स्टोर से आप अच्छे अच्छे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, और भी नहीं अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप मूवीज चला लेते हैं। क्लियर? तो ये सब किसका पार्ट है, इंटरटेनमेंट एंड फन का। नाउ न्यूज ग्रुप। व्हाट इज न्यूज ग्रुप? न्यूज ग्रुप इज जनरली अ ग्रुप हु कैन क्रिएट अ पर्सन क्रिएट अ ग्रुप सो दैट सो मैनी पीपल्स कैन डिस्कस विद ईच अदर। मीन्स कोई भी एक इंडिविजुअल एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, उसमें बंदों को मतलब यूजर्स को ऐड करते हैं और आपस में किसी टॉपिक पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आप न्यूज ग्रुप। जब बहुत सारे यूजर्स या पीपल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और किसी टॉपिक पर कन्वर्सेशन करते हैं या उस पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज योर न्यूज ग्रुप। क्लियर? जैसे आपने एग्जाम कर रही हूँ टीवी में, जैसे आज तक आता है, आज तक में वो बहस चलती रहती है ना, कोई किसी के अगेंस्ट बोलता है, कोई किसी के साथ बोलता है, सेम ऐसी न्यूज ग्रुप में होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उनकी क्या चलती है, आपस में डिस्कशन चलता है, दैट इज योर न्यूज ग्रुप।
नाउ एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग के पर्पज से इंटरनेट बहुत यूजफुल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉइंट हमें बुक में नहीं मिल पाते, या कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि बुक में सारे अवेलेबल नहीं होता, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, तो हम इंटरनेट के थ्रू अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैं अब यूट्यूब पे, आपको पता है स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी लेक्चर को आप तक पहुंचा सकूं और आपको समझ में आ सके। मैं चाहूं तो ऑडियो के क्लिप के थ्रू भी आपको भेज सकती हूं, लेकिन नहीं, अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं उसका यूज करूंगी। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, लिंक बनाकर यूट्यूब पे डालती हूँ। आप यूट्यूब से क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, वहां से समझते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, उतारते हैं, आपको कुछ समझना होता है, तो दैट इज योर एजुकेशन एंड लर्निंग। मीन्स आप इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई चीजें भी सीखते हैं। हो सकता है बहुत सारे अपडेट ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता है, क्लियर, लेकिन हमें जब हम इंटरनेट यूज करते रहते हैं तो बहुत सारी चीजों की हमें नॉलेज मिलती रहती है, तो डेट इज फॉर योर एजुकेशन एंड लर्निंग। थर्ड पॉइंट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको पता भी होगा, डेट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट के थ्रू जब आप ऑनलाइन कोई चीज परचेज या सेल करते हैं, दैट इज योर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के थ्रू जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अमेजोन है, मिंत्रा है, ठीक है, और खाली मैं शॉपिंग सेंटर की ही बात नहीं बता रही, बिजनेस में भी एसी फ्रिज आपको ऑनलाइन लेने हैं, उन्होंने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, या आपको कोई चीज बेचनी है, जैसे ओलेक्स है, ओलेक्स पर बेच दो, सेकेंड हैंड चीजें आप बेच देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, दैट इज योर ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, या ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग बिजनेस इज कॉल्ड ई कॉमर्स, क्लियर। ई कॉमर्स से बहुत फायदे हैं, आपका टाइम बचता है, आपकी कॉस्ट बचती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, क्लियर, तो दैट इज योर ई कॉमर्स। नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, फेस टू फेस जो हम आपस में बातें करते हैं, दैट इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल लाइव चैट भी चलती है, ठीक है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, ठीक, या आपको अपने रिलेटिव से बात करनी है, वो बहुत दूर रहता है, तो आप आपस में सिर्फ फेस देख सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसके थ्रू आपस में क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, क्लियर। नाउ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ये आप अच्छे जानते हो, जिस वो नेटवर्किंग जिसके थ्रू आपको सोशल अपडेट मिलते रहता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके टाउन में क्या हो रहा है, क्लियर, तो इसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है FB, फेसबुक, आप सभी जानते होंगे ट्विटर, ठीक है, ये क्या है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इसके थ्रू आप अपना अपडेट करते हैं। तो सपोज मैं ही अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे घर में आज क्या फंक्शन हुआ है, कौन सा फंक्शन है, क्या मुझे करना है, क्लियर, मैं वो अपडेट फेसबुक पर कर देती हूँ ताकि सबको मेरे बारे में, मेरे अपडेट के बारे में पता चलता रहे। ऐसी ही अपने आसपास या हमारी कॉलोनी में क्या हो रहा है या कहाँ पर कौन सी चीजें गलत हो रही है, हम अपडेट करते रहते हैं, जिससे वो बातें या फिर वो अवेयरनेस सबके पास फैल जाती है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है, बहुत से लोग आपकी आईडी को भी हैक कर लेते हैं, उसका मिसयूज कर लेते हैं, लेकिन खैर ऐसे चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट अगर आप यूज करें तो बी केयरफुल। जो बड़े बच्चे हैं, जो यंग्स हैं, वो सब अच्छे जानते हैं, लेकिन जो छोटे हैं, इनको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो FB या ट्विटर यूज करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल हो कि हमें किस तरीके से यूज करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट यही है, हर तरह की पिक्स भी अपलोड नहीं की जाती हैं, पिक्स वही अपलोड की जाती हैं जो सेंसिबल हो, ठीक है, तो वो होता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। या अवेयरनेस किसी के लिए, कोई अच्छी टॉपिक भी आपको देना है, सपोज मैंने ये वीडियो बनाई, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को तो जाहिर है मैं अपने FB पर भी अपलोड कर लेती हूँ, जो मेरे रिलेटिव हैं या आसपास के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी देखें, तो ये अच्छी चीज है, गुड थिंग है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो वो सब क्या होगा, सबको ये वॉच होगी। तो सोशल नेटवर्किंग में पूरी सोसाइटी या सोशल देख सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ सिक्योरिटी होती है, मतलब परमिशन होती है, वहां पर पूछता भी है अपलोड करते समय कि आपको पब्लिक चाहिए या प्राइवेट चाहिए, तो वो ऑप्शन डिपेंड ऑन यू, आप क्या करते हैं, क्लियर। नाउ एक आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स भी एक टॉपिक होता है, एक इंडिविजुअल होता है, जिसमें आप किसी भी
अपने बारे में किसी चीजों के बारे में लिखते रहते हैं, ब्लॉग्स लिखते रहते हैं, कुछ लिखना, कुछ इंटरेस्टिंग लिखना किसी साइट के बारे में, तो वो सब क्या कहलाते हैं आपके ब्लॉग्स। इसके अलावा आपका नेट बैंकिंग होता है, ठीक है, मैंने नीचे लिखा, ऊपर लिख दिया नेट बैंकिंग, आपको पता है, या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू पहले आप क्या करते थे, बैंक में पैसे जमा करने जाते थे, ठीक है, या फिर आपको कैश निकालना है तो बैंक से कैश निकालते थे, इवन आपको पासबुक बुक करानी है तो पासबुक को प्रिंट कराने भी आपको बैंक जाना पड़ता था। लेकिन इंटरनेटवर्किंग के मतलब नेट बैंकिंग की ऐप से अब आपको घर बैठे ही सारा काम हो जाता है। आप क्या करते हो, आपकी जो पासबुक की कॉपी है, प्रिंट है, स्टेटमेंट है, वो आपको इंटरनेट के थ्रू पता चल जाती है। वो कैसा पता चल जाती है, देखो हर किसी को नहीं, आपको जिसका भी जिस बैंक में अकाउंट है वहां जाकर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कराने होंगे, वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, तब जाकर आपको ये सारी फैसिलिटी मिल पाएगी कि किस तरीके से आप अपने पैसे को ट्रांसफर किसी और के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, तो वो सब किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो डेट इज योर नेट बैंकिंग, क्लियर। आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, पर आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। ये सब वो हैं जो मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं, मैं लिखती जा रही हूँ। ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन आप टिकट बुक कराते हैं, ठीक है, आपको मसूरी जाना है या फिर आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने जाना है, आप क्या करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करा लेते हैं, ठीक है, आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती। आपको कैंसिल कराना है तो आप वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठ कर उसको कैंसिल करा सकते हैं। आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, जोमेटो डिलीवरी करता है आपका, ठीक है, पिज्जा हट ये सब डिलीवरी करते हैं, तो वही आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब मतलब ऑल ओवर द चीजें, हम सारी चीजें किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, अब हम डिजिटलाइज हो चुके हैं, हम खुद डिजिटलाइज हो चुके हैं, हम सारा काम किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, क्लियर। तो ये है आपका सारे एरियाज, एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा अगर और कोई भी रह गया हो या आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप वो लिख सकते हैं। मेरे दिमाग में जो जो पॉइंट्स थे वो सब मैंने बता दिए हैं, क्लियर। और इसमें और तो कोई पॉइंट्स नहीं बचता, ठीक। इसके अलावा आप चैटिंग में भी करते हैं, आपस में चैट करते हैं, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, चैटिंग में ना कुछ हम एब्रीवेशन का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो हम शॉर्टकट में लेते हैं, एब्रीवेशन में शॉर्टकट, पूरा ना लिखकर हम चैटिंग में क्या करते हैं, वाई ओ यू को सिंपली यू लिख देंगे, यू, ठीक है, यही करते हैं, वाई ओ यू को यू लिख देंगे, आर ए आर ई ए आर ई आर को आर लिख देते हैं, मीन्स एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ऐसी चैटिंग में कुछ हम वर्ड्स यूज करते हैं, देखो मैंने लिख दिए हैं, जैसे एलओएल, एलओएल का मीन्स होता है लॉट्स ऑफ लव, BTW by the way, TBH to be honest, YOLO you only live once, NM means never mind, NP no problem, JK just kidding। बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम करते हैं ना चैटिंग में यूज करते हैं, चैटिंग करते वक्त शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, एब्रीवेशन का यूज करते हैं, तो वही सब वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जो हम चैटिंग में एब्रीवेशन का यूज कर सकते हैं। हालांकि आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, अगर इंटरनेट पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर। तो आपका इंटरनेट टॉपिक ये यहाँ पर फिनिश हो गया है, मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दिए हैं, टूल्स बता दिए हैं, एप्लीकेशन एरिया भी बता दिया, और उससे पहले नेटवर्क भी खत्म कर दिया। नेटवर्क इसीलिए खत्म किया था ताकि आपको इंटरनेट समझ आ जाए, क्लियर। आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ एट योर होम, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई शेयर माई चैनल, ओके, एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट द अपडेटेड नोटिफिकेशन। सो फॉर नाउ लीव मी एंड गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।